तो आज हम पढ़ने वाले हैं द करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनेट डेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन, डेफिनेट हम बोलते हैं दा को। तो यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल अ कैट ईट्स मीट, कैट हमारी नाउन है और नाउन के पहले हमने ए का प्रयोग किया। तो हम पढ़ते हैं यूज ऑफ ए एन, ठीक है। तो फर्स्ट यूज है ए एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है। तो यहां पर एक के लिए हमने किसका प्रयोग किया, ए का। सेकेंड यूज, ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे अ गर्ल लाइक्स अ टॉय। अब टॉय हमारा क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो इसके पहले हमने किसका प्रयोग किया, ए का। थर्ड, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले क्या लगाया जाता है, ए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में अ मैन गेव मी अ बुक। अब बुक है, बुक किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, और बी हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ए। ऐसे ही मैन में देख सकते हैं, मैन में एम लग रहा है, एम हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले हमने क्या लगाया, ए। फोर्थ रूल, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी वोवल, वोवल हम जानते ही हैं, ए ई आई ओ यू, ये पांच हमारे वोवल होते हैं, से शुरू हो तो उसके पहले एन लगता है। जैसे एग्जांपल, एन एलिफेंट किल्ड अ बॉय। अब यहाँ पे एलिफेंट हमारा वोवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने क्या लगाया, एन। फिफ्थ रूल, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एच से शुरू हो, किससे शुरू हो, एच से शुरू हो और एच का उच्चारण नहीं हो, तो उसके पहले एन लगता है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट मैन में हम ओ का उच्चारण कर रहे हैं ना कि एच का, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, एन। सेकेंड एग्जाम्पल दे सकते हैं, अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में हम एच का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, ए। तो सिक्स रूल, ये यू अथवा वा, जैसे उच्चारण से शुरू होने वाले शब्दों के पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे आ यूरोपियन। यूरोपियन में जनरली ई हमारा वोवल है, लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया, ए, क्योंकि जो साउंड यहाँ पे आ रहा है वो हमारा किसका आ रहा है, वो हमारा कॉन्सोनेंट का आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, ए। सेवेंथ रूल हम देख सकते हैं, MP, MA, NCC, हम बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं, और भी हैं MLA, SDO, X-ray अथवा SI। शब्द लिखने में कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, किंतु इनका जो उच्चारण है वो किससे हो रहा है, वोवल साउंड से, इसीलिए हम इनके पहले क्या लगाते हैं, N। जैसे हम देख सकते हैं, मिस्टर रुपेश इज एन MP। MP हमारा देखिए हम यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे, तो हमने N लगाया। तो हम यूज पढ़ चुके हैं ए एन का। अब मैं आपको ए एन जहाँ नहीं लगता है वो बताता हूँ। जैसे नो ए एन, तो फर्स्ट है प्लुरल नाउंस के पहले ए एन कभी नहीं लगता है। जैसे काउज गिव मिल्क। अब काउज हमारा प्लुरल नाउन है, तो इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। सेकंड, डॉग्स आर एनिमल, तो डॉग्स हमारा प्लुरल नाउन है, तो इसके पहले भी ए और एन नहीं लगेगा। सेकंड, किसी देश, राज्य, शहर, दिन अथवा महीने के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए एन नहीं लगता। जैसे वी लिव इन इंडिया, तो इंडिया हमारा देश का नाम है, तो इसीलिए इसके पहले हमने ए और एन का प्रयोग नहीं किया। सेकंड, पटना इज इन बिहार, बिहार राज्य का नाम है, तो राज्य के नाम के पहले हमने ए एन का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन। तो थर्ड रूल है अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले, जैसे मिल्क हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, शुगर हो गया, ये सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे मिल्क इज गुड फॉर अस, मिल्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। फोर्थ है, किंतु अनकाउंटेबल नाउन को सिंगल आइटम बनाने के लिए हम एक रूल का प्रयोग करते हैं, जो है ए डैश ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, अ कप ऑफ कॉफी। अब कॉफी को मैं सिंगल आइटम बनाने के लिए इस रूल का प्रयोग कर रहा हूँ, तो अ कप ऑफ कॉफी ए हो गया, डैश में कप ऑफ अनकाउंटेबल नाउन क्या है, कॉफी।
ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर। वाटर को मैंने सिंगल आइटम बनाने के लिए सोल का प्रयोग किया, अ डैश में हमने ग्लास भरा, ऑफ अनकाउंटेबल नाउन क्या है हमारा, वाटर। तो वाटर को सिंगल आइटम बनाने के लिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज किया। तो अब तक हम ए और एन का प्रयोग पढ़ चुके हैं और अब हमें पढ़ना है यूज ऑफ द का। कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है और आपने देखा होगा कुछ लोग द का उच्चारण दे करते हैं और कुछ दा करते हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं पहले कि इसका सही उच्चारण क्या है। तो पहला रूल है, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले द आ जाए तो द का उच्चारण हम द ही करेंगे। जैसे दिस इज द बॉय, अब बॉय में कॉन्सोनेंट आ रहे तो इसलिए द। ऐसे ही दिस इज द कार, कार में सी कॉन्सोनेंट है तो द। किंतु वोवल से शुरू होने वाले शब्दों के पहले द आ जाए तो द का उच्चारण हम क्या करेंगे, दी। जैसे दिस इज दी आंट। तो थर्ड रूल है, अगर द के बाद आने वाले शब्द पर हम जोर देना चाहते हैं तो द का उच्चारण दी होता है, फिर चाहे वह शब्द कॉन्सोनेंट से ही शुरू क्यों ना हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई विंडो, यह वही लड़का है जिसने मेरी खिड़की तोड़ी। तो हम इस लड़के पर यानी कि इस नाउन पर जोर देना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, दी। फोर्थ रूल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिससे पूरी जाति का बोध हो के पहले क्या लगेगा, हमेशा द लगेगा। जैसे एग्जांपल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, क्योंकि हम गाय के बारे में बात कर रहे हैं और सभी गाय हमारे लिए लाभदायक हैं, तो गाय एक पूरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गई हमारी, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, द। तो फिफ्थ नियम है, जब किसी वाक्य की बनावट नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग अवश्य होता है। जैसे सेंटेंस में देखते हैं, ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया। अब द टी ऑफ इंडिया इस सेंटेंस में जो बनावट है वो देख रहे हो, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, तो प्रथम नाउन हमारी टी है, इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा, द। सिक्स्थ नियम है, किसी आविष्कार यानी कि इन्वेंशन के पहले जो है द का प्रयोग होता है। जैसे Who invented the radio? अब रेडियो का आविष्कार हुआ है तो इसके पहले द। सेवेंथ रूल है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले किसका प्रयोग होता है, द का। जैसे सी कोट हिम बाय द आर्म, आर्म पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है, इसके पहले क्या लगेगा, द। ऐसे ही आई प्ले द गिटार, गिटार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके पहले क्या लगेगा, द। तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर एट की। रूल नंबर एट, नाइन एंड टेन लास्ट है द के प्रयोग के लिए। तो द का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड इत्यादि के पहले होता है अगर इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन हो। जैसे आई विल कैच द नेक्स्ट बस, बस हमारी काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके देखिए नेक्स्ट के बाद बस हमारी काउंटेबल नाउन है, इसलिए नेक्स्ट के पहले मैंने किसका प्रयोग किया, द का। नाइन्थ, धार्मिक समुदाय, आर्म्ड फोर्सेस, धार्मिक ग्रंथ के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे धार्मिक समुदाय द हिंदू, आर्म्ड फोर्सेस द आर्मी, धार्मिक ग्रंथ द गीता। टेंथ है, जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके पहले भी हम द का यूज करते हैं, द सन, द अर्थ, द मून। तो अब तक हम आर्टिकल्स का यूज पूरा पढ़ चुके हैं, मैंने आपको कुछ नियम्स बताए, रूल्स बताए, और आप उनको फॉलो करोगे तो आपको आर्टिकल्स का पूरा पूरा यूज आ जाएगा। और मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे 10 एग्जांपल्स दिए, इनको आप पहले खुद से फील करें, और हाँ इनके आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप पहले खुद से फील करें इनके आंसर, ए एन दा खुद से भरें और उसके बाद आंसर मैच करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए। और हाँ, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन ट्रिक, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।